गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम डबल डोर फ्रिज की वायरिंग समझेंगे कि वायरिंग किस तरह होती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सभी तरीके के कोर्सेज कराए जाते हैं, तो आप आइए एबीसी इंस्टीट्यूट में, आप कोई भी अपना मनचाहा कोर्स कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे डबल डोर फ्रिज की वायरिंग को। जैसे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बना दिया है, तो जैसे मेरे पास ये बल्ब है, तो मेरे पास बल्ब है, यहाँ पे डोर स्विच लगा हुआ है, तो ये डोर स्विच होता है। तो डोर स्विच के अंदर दो पिनें होती हैं, तो दोनों पिनें जब ये दरवाज़ा खुलता है तो ये ऑन ऑफ होती हैं। तो हम ये प्रैक्टिकल में समझेंगे। एक हमारे पास ये रिले है, जो रिले हमारी यहाँ कंप्रेसर पे लगती है, और इसको पीटीसी रिले कहते हैं। तो ये रिले हमारी लगी हुई है, ये पीटीसी रिले है, ये वाली। ये हमारा ओवरलोड होता है, जैसे आप देख सकते हो ये ओवरलोड है, तो ये यहाँ पर लगा हुआ है। ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर के लिए होता है, जो कि हाई करंट पर काम करता है, तो इसको भी हम समझेंगे। और हमारे पास ये थर्मोस्टेट है, तो ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है। थर्मोस्टेट का काम होता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी मशीन को वर्क कराना होता है। उसके बाद हमारे पास ये बायोमेटल है, और इसी में ही कम्बाइंड थर्मल फ्यूज़ है। तो जैसे आप देख सकते हो, ये बायोमेटल है जो यहाँ पर लगा हुआ है, और थर्मल फ्यूज़ है यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, ये हीटर लगा हुआ है, तो ये हीटर है। और ये फैन मोटर है, ये इवापोरेटर कॉइल पे लगती है, जो इसमें दर्शाया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इवापोरेटर का है मेन काम जो इसके अंदर होता है, डबल डोर के अंदर, वो हमारा टाइमर का होता है। तो टाइमर के अंदर चार पिनें दे रखी हैं, तो चारों पिन की वायरिंग को हम समझेंगे। तो पहले हम इसके ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे कि किस तरह काम करता है, फिर हम इसके बारे में टाइमर के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूट्रल जो सप्लाई होती है हमारे बल्ब पर, और यहाँ से थर्मल फ्यूज़ हीटर से होते हुए ये टाइमर के एक नंबर पिन पर हमारी मोटर कनेक्ट होती है, तो इसमें न्यूट्रल चला जाता है। प्लस हमारा इस इवापोरेटर कॉइल के अंदर भी हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है, और हमारे कंप्रेसर की जो रनिंग पॉइंट है उस पर भी हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है, और पीटीसी की मदद से स्टार्टिंग पे पीटीसी दे देती है स्टार्टिंग करंट। तो न्यूट्रल हमारी मशीन में डायरेक्ट पहुंचा हुआ है, हम सिर्फ इसमें फेज़ कंट्रोल करेंगे। फेज़ सबसे पहले हमारा जो फेज़ आता है वो हमारा थर्मोस्टेट के लिए जाता है, तो थर्मोस्टेट्स की ही वायरिंग के साथ ही अटैच होता है डोर स्विच का। तो डोर स्विच हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, और डोर स्विच से हमारे बल्ब को सप्लाई मिलती है, क्योंकि हमारे बल्ब पे डायरेक्ट न्यूट्रल मिला हुआ है। तो डोर स्विच जब भी इस सप्लाई को कनेक्ट करेगा, तो ये आपका ये कनेक्ट हो जाएगा और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। तो जैसे दरवाज़ा हम खोलते हैं, तो तब बल्ब जब जलता है, तो ये डोर स्विच जो है, इसकी जो दो वायर लगी हुई हैं, जो पॉइंट बने हुए हैं, तो यही दोनों पॉइंट जो यहाँ वाले जो पॉइंट हैं, ये दोनों वायर इसमें ही कनेक्ट हो जाती हैं। और जब हमारा दरवाज़ा खुलता है, तो ये कनेक्ट हो जाती हैं और ये बल्ब को जला देती हैं। ऐसे हमारे थर्मोस्टेट का वर्क है। थर्मोस्टेट के अंदर ये हमारी बेलो बनी हुई है, और इसमें रेफ्रिजरेंट होता है, गैस होता है, और जब इसके अंदर जब ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या जब रेफ्रिजरेंट मूवमेंट करता है, तो इसका लगा हुआ स्विच ऑन ऑफ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, दो पिनें बनी हुई हैं, तो दो पॉइंट ये बने हुए हैं, तो एक नंबर और दो नंबर पॉइंट पर हम इसमें लिख भी दे देते हैं, ये एक नंबर पिन है, दो नंबर पिन है। तो इन दोनों की पिन पर आप कहीं भी इसको वायर कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप दो नंबर इसको बना लो या एक नंबर इसको बना लो, क्योंकि इसमें कहीं भी आप करंट दे सकते हो। तो ये नॉर्मल स्विच की तरह ही काम करता है, लेकिन ये कूलिंग के हिसाब से यानी तापमान के हिसाब से ऑन ऑफ करता है अपने आप को। यही सप्लाई सीधा हमारी टाइमर की तीन नंबर पिन पे चली जाती है, जो कि ये वाली पिन है, हमारी बीच वाली जो पिन है। तो बीच वाली पिन जो है, ये तीन नंबर जो पिन है, ये मेन इसकी कॉमन पिन होती है, और जो हमारा न्यूट्रल ये आया हुआ है एक नंबर पिन पर, ये इस पर आता है। जब तीन नंबर पर ये आ जाती है, तो ये मोटर अंदर घूमने लगती है। तो मोटर जब घूमती है, तो जब कुछ टाइम के बाद जब हमारा कूलिंग साइकिल पूरी हो जाती है, तो ये डिफ्रॉस्ट पे आ जाती है। तो हम समझेंगे किस तरीके से। मान के चलिए कि 12 घंटे हमारी यदि कूलिंग हमारी हुई, तो अब हमारे डिफ्रॉस्टिंग के लिए तकरीबन 3 मिनट का टाइम होता है, और 3 मिनट के लिए हमारी डिफ्रॉस्टिंग पे आ जाती है। उस टाइम हमारा हीटर ऑन होता है, और जो भी आइस लगी होती है उसको मेल्ट कर देता है। अब इसकी वायरिंग को समझते हैं। जब तीन नंबर वायरिंग पिन पर आ जाती है, तो ये चार नंबर से कनेक्ट हो जाती है, और चार नंबर की जो हमारी वायर है, डायरेक्ट कंप्रेसर के ओवरलोड पे चली जाएगी। और यहाँ न्यूट्रल ऑलरेडी आया हुआ है, और यहाँ पीटीसी से स्टार्टिंग पे आया हुआ है, तो
तो ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा और लगातार कूलिंग करता रहेगा। जैसे ही 12 घंटे या 10 घंटे कुछ टाइमर 10 घंटे के ये होते हैं, तो जैसे ही आपका वो टाइम पीरियड पूरा होगा तो टाइम के बाद फिर हमारा ये वाला करंट इस दो नंबर में कनेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली जब कॉमन से 4 नंबर पर जाएगा, और जैसे ही कॉमन से जब हमारा 2 नंबर पर जाएगा तो हमारा डिफ्रॉस्टिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बायोमेटल लगा हुआ है, ये बायोमेटल का काम होता है। जैसे -5 पे ये ऑन हो जाएगा और +10 तक ये बंद हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको जब ये ऑन होगा तो यहाँ से न्यूट्रल गया हुआ है, थर्मल फ्यूज से होता हुआ इस मोटर को चला रहा होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट हमारा फेस वाला आ जाता है तो इस मोटर पे भी फेस करंट पहुँच जाता है, प्लस इस हीटर के इस वाले पॉइंट पर हमारा फेस करंट आ जाता है, और इधर से न्यूट्रल आने की वजह से ये हीटर हमारा ऑन हो जाता है और ये गर्मी पैदा करने लगता है। गर्मी पैदा होने की वजह से हमारी जो भी आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, और तकरीबन 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर जैसे ही वो मेल्ट होगी तो दोबारा साइकिल वही सेम हो जाएगी कि ये बायोमेटल +10 पर अपनी सप्लाई को बंद कर देगा, +10 डिग्री सेल्सियस पर बंद कर देगा, और जैसे ही बंद करेगा तो हमारा दोबारा न्यूट्रल आ जाएगा और हमारी मोटर ऑन हो जाएगी, और फिर हमारा टाइमर के अंदर जो हमारा टाइमर है उसको सप्लाई जाने लगेगी, और टाइमर जैसे ही ऑन होगा फिर दोबारा हमारा कूलिंग प्रोसीजर चालू हो जाएगा। तो ये चालू रहता है। तो आप अब हम समझते हैं कि ये किस तरीके से मीटर से ऑन होगा। तो मीटर लेते हैं, तो हम टाइमर को चेक करेंगे, बारी बारी हम सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे वो किस तरह काम करते हैं और किस तरीके वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइमर को ही लेंगे, तो टाइमर की हम इसको रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग मोड पे लगा लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये बजर मोड पे है और ये बीप बोल रहा है। तो गाइस जब हमारा 3 नंबर पे सप्लाई पहुंचती है तो 3 से ये किसी ना एक पॉइंट में कनेक्ट होगा। तो देखते हैं किसके साथ कनेक्ट है ये। तो आप देख सकते हो ये कूलिंग साइकिल से कनेक्ट है, क्योंकि 4 नंबर पे है तो ये कूलिंग साइकिल पे है। जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तो ये मोटर हम हाथ से घुमा के देखते हैं, जैसे आप देख सकते हो, तो हल्की सी कट जैसी आवाज़ आएगी, तो ये डिफ्रॉस्ट पे चला जाएगा। तो डिफ्रॉस्ट पे आ गया होगा, तो आप देख सकते हो डिफ्रॉस्ट पे आ गया है, तो मीटर के अंदर भी बिप की आवाज़ आ रही है। अब ये इसके साथ नहीं बोलेगा क्योंकि ये वाला करंट अब इसके अंदर आ गया है। तो इस तरीके से आप टाइमर को चेक कर सकते हो, और 3 नंबर और जो हम 1 नंबर में जब इसको चेक करेंगे तो ये कोई भी बिप नहीं बताएगा क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी हुई है। अब हम इसको देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस रीडिंग पे हम चेक करेंगे तो ये हमें बता देगा। तो जैसे मैंने देखिए ये 200 किलो ओम पे लगाई है तो ये कुछ रीडिंग शो करने लगा है। तो रीडिंग का मतलब है कि हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो ओके है। तो आप भी इस तरह देख सकते हो। तो टाइमर को चेक करने के लिए आप इस तरीके रीडिंग पे यूज करोगे तो आपका जो कॉमन पॉइंट है उसके साथ आपकी मोटर ये रीडिंग बताएगी। यदि ये रीडिंग नहीं आती है या इसमें लगातार जिस तरीके से बिप आएगी तब भी मोटर ख़राब है, और रीडिंग नहीं आएगी तब भी आपकी मोटर ख़राब है। तो कुछ रीडिंग आनी चाहिए, तो ये रीडिंग आ रही है हमारी 13.5। तो उसके बाद हमारा ये टाइमर की टेस्टिंग पूरी हो गई है। तो अब हम चेक करेंगे हमारा अगला है थर्मोस्टेट। तो जैसे आप थर्मोस्टेट को देख सकते हो तो इसमें भी 2 पॉइंट बने हुए हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। तो हम चेक करेंगे, बिप मोड पर लगा लेते हैं मीटर को, तो ये बोलना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो रीडिंग बिप आ रही है हमारी, तो फुल 00 रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब ये स्विच हमारा सही है। लेकिन प्रॉपर चेक करने के लिए इसका आइस का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आइस इसके अंदर ये जाएगी तो जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अंदर से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर जब इसके अंदर गैस रेफ्रिजरेंट मूवमेंट करने लगेगी तो स्विच को बंद कर देगी। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट भरा हुआ होता है, यदि ये टूट जाता है क्रैक हो जाता है तो तब भी ये ख़राब हो जाता है, तो आप उस स्थिति में इसको बदल सकते हो। अब हम चेक करेंगे डोर स्विच। जैसे हमारे पास ये डोर स्विच है,
तो डोर स्विच जब हम चेक करेंगे तो इसके अंदर इस टाइम साउंड आएगी, क्योंकि इस टाइम समझ लीजिए कि फ्रिज हमारा खुला हुआ है। जैसे ही फ्रिज हमारा इस दरवाजे को दबा देता है तो ये बटन हमारा दब जाता है, तो ये हमारा ऑफ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ऑन ऑफ होता रहेगा। तो यदि इस तरीके से इसमें आपको दबाने पर और ये चीज़ें ऑन ऑफ नहीं होती है तो हमारा डोर स्विच ख़राब है। यदि बिना दबाए भी आपकी रीडिंग आती है और दबाने पे भी आती है तो उस टाइम आपका डोर स्विच शॉर्ट है, तब भी आपका ख़राब माना जाएगा। तो हमने ये डोर स्विच चेक कर लिया है। अब हम चेक करेंगे हमारा ओवरलोड है। तो ओवरलोड हमारा जो हम यहाँ पे ओवरलोड लगाते हैं, जो हमारी हाई करंट पे काम करता है, ये एम्पियर के हिसाब से होते हैं। तो ये एम्पियर के हिसाब से लगते हैं। यदि इनके एम्पियर से ज़्यादा यदि लोड या कोई भी डिवाइस ज़्यादा करंट लेती है तो ये अपने आप को ऑफ कंडीशन में ले जाते हैं और जाने वाली सप्लाई बंद हो जाती है। तो अब ये ओके हो है तो ये हमें बजर साउंड आनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो साउंड आ रही है और बीप की आवाज़ भी आ रही है, तो ये हमारा ओके है। अगला हम चेक करेंगे, हमारे पास ये रिले है, पीटीसी रिले है, तो ये भी हम देखेंगे। तो हम इसमें दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो इसको हम देखते हैं तो ये इसके साथ बोलेगी और दूसरी ये इसके साथ बोलेगी। तो चेक करने के दो तरीके हैं। यदि हम दोनों में चेक करेंगे तो हमारे पास बिप की साउंड आनी चाहिए और कुछ रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो कुछ रेजिस्टेंस शो कर रही है, लेकिन ये 00 यदि इस तरीके से रीडिंग आती है तो ये हमारा रिले ख़राब है, या कोई भी रीडिंग नहीं आएगी तब भी हमारी रिले ख़राब है। तो ये रिले हमारी बिल्कुल ओके है। तो रिले को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि यदि हमारी कभी भी हम रीडिंग चेक करते हैं और उसमें रेगुलर यदि रीडिंग आती है तो फिर हमारी और 00 रीडिंग आएगी तो फिर हमारी रिले ख़राब है, या कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है तब भी हमारी रिले ख़राब है। तो कुछ रीडिंग आ रही है तो हमारी ओके मानी जाएगी। तो ये हमारी रिले हमारी ओके है। ये 3 पिन की रिले है, तो इसमें और भी रिले आती हैं जिसमें सिंगल रिले पॉइंट भी होता है, डबल भी होता है, 3 भी होता है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जिसमें जितने ज़्यादा होंगे तो उसमें हम कैपेसिटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी रिले बिल्कुल ओके है। अब हमारे पास दूसरी आती है, ये बायोमेटल है और इसी के कम्बाइंड हमारा थर्मल फ्यूज़ है। तो दोनों चीज़ हमारे पास दे रखी है, तो हम दोनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये थर्मल फ्यूज़ लगा हुआ है साइड में, तो हम इसमें रेड और ब्लू में देखेंगे। तो जो थर्मल फ्यूज़ है हमारा, थर्मल फ्यूज़ हमारा ये लगा हुआ है। बेसिकली थर्मल फ्यूज़ का जो कार्य है वो क्या है कि जब हमारा यदि 72 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टम्परेचर हमारे मशीन के अंदर हो जाएगा या फ्रिज के अंदर हो जाएगा तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, क्योंकि इसका फ्यूज़ का उड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि ये फ्यूज़ नहीं उड़ा तो हमारा हीटर ऑन रहेगा और भी चीज़ें जल सकती हैं। तो ये हमारे फ्रिज की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है और इसको हम चेक करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें बीप की साउंड आ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको प्रॉपर चेक करने के लिए यदि आप हीट भी दे सकते हो, उबलता हुआ पानी में ऐसे यदि डालोगे आप तो जब 70 या 72 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगा तो ये सप्लाई देनी बंद कर देगा। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। अगला है हमारे अंदर, इसके अंदर बायोमेटल लगा हुआ है, तो हम बायोमेटल को देखेंगे। तो ये ऑफ कंडीशन में है, अभी ऑफ कंडीशन में है, तो ये अभी ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए हम पानी का इंतज़ाम करते हैं, गिलास में पानी लाते हैं। तो उसके बाद इसको हम अभी पानी में डाल के चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमारा थर्मल बायोमेटल जो है वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा प्लस में है और जहाँ हम बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पे टेम्परेचर करीबन 25 के करीब है। तो इसको कम से कम टेम्परेचर प्लस 5 चाहिए। तो ये पानी आ गया है, तो इस पानी में हम अभी इसी इसको डाल देंगे। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है, इसको पकड़ लो यहाँ पर। अब हमारे पास ये हीटर है, जो हीटर हमारा इसमें लगता है, तो हम इस पर चेक करेंगे कि हीटर हमारा किस स्थिति की रीडिंग शो करता है। तो हम जब इसको रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ कुछ रीडिंग ये बता रहा है। हीटर यदि रीडिंग बता रहा है तो बिल्कुल ओके माना जाएगा, लेकिन बिप की साउंड नहीं आनी चाहिए। यदि बिप के साथ 00 रीडिंग आती है तो हीटर हमारा शॉर्ट है, और कोई भी रीडिंग यदि नहीं आती है तो हमारा जो हीटर है वो ख़राब है।
तो वो दोनों स्थिति में ख़राब होगा। रीडिंग के साथ बिप आ रही है तो शॉर्ट माना जाएगा यदि 0-0 है, और यदि कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है तो ओपन माना जाएगा। तो ये हमारा जो हीटर है बिल्कुल ओके है, तो हम इसको रख देते हैं। एक हमारे पास ये बल्ब है, तो ये एलईडी बल्ब है, तो हम जब भी इसको एलईडी बल्ब को चेक करेंगे तो इसमें कुछ भी रीडिंग शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी लगी हुई हैं जो डीसी वोल्ट पे काम करती हैं। यदि बल्ब होता तो ये बल्ब चेक करते तो हम इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग हमें मिल जाती। तो एलईडी बल्ब को हम डीसी उस पर चेक कर सकते हैं। बाकी यदि ये कोई बिप की साउंड नहीं आ रही है और यदि कोई रीडिंग नहीं आ रही है तो ये बल्ब हमारा ओके माना जाएगा, और ये बल्ब हमारा ओके है। तो हमेशा ध्यान रखें कि किस तरीके से हमें कौन सा जो पार्ट है किस तरह चेक करते हैं। तो जैसे आज हमने ये समझा कि किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं। यदि हम अच्छी तरीके से काम को समझेंगे तो प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो आज हमने समझा कि हमने किस तरह ओवरलोड काम करता है। ये हमारी एक फ़ैन मोटर है जो हमारी इवापोरेटर कॉइल पर लगती है। तो ये मोटर को हम चेक कर लेते हैं। तो इस मोटर को हम जब चेक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हो ये ओपन बता रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये मोटर ख़राब हो गई है, किसी बच्चे ने इसको डायरेक्ट जो वोल्टेज दिया था तो ये शॉर्टिंग हो गई है इसके अंदर, और ये ओपन हो गई है, शॉर्ट हो गई। तो अब हम इसको मोटर को रख देते हैं। तो दोस्तों बायोमेटल हमारा ठंडा हो गया, तो हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो बायोमेटल ऑन हो चुका है, हमने ये ठंडे पानी के अंदर रखा था। अब ये कुछ ही देर में ये ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको ठंडक मिली हुई है। तो ये ऑन हो गया है। तो बायोमेटल को प्रॉपर चेक करने के लिए ठंडे पानी की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है, प्रॉपर तभी चेक कर पाते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा